गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग आज क्लास 9 का मैथ्स पढ़ेंगे। इसमें अध्याय 4 का नाम है बहुपद, जिसमें से हम लोग एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले आप बहुपद है या नहीं इसके लिए क्या करेंगे, आप एक्स के ऊपर रूट नहीं लगा होना चाहिए, एक्स के ऊपर हाफ पर मान ली और नहीं होना चाहिए, एक्स के ऊपर माइनस का ये जो है साइन नहीं होना चाहिए। यदि ये तीन चीजें नहीं है तो वह बहुपद है, और यदि ये तीन चीजें हैं तो वह बहुपद नहीं है। जैसे पहला आपके पास दिया है 4x², फिर दिया है -3x + 5, ये बहुपद है तो हाँ यस ये है। ठीक है, जस्ट इसके बाद जैसे आपके पास आया ये √y + 2y ठीक है +3, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे y पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। किस प्रकार से ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, इसके आधार पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे कि बहुपद है या बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि x² के गुणांक को ज्ञात कीजिए। ठीक है, x² के गुणांक को जैसे यहां पे दिया है 3x³, फिर इसके बाद दिया है +2x² + 3x + 2, ये इस प्रकार से मान लीजिए दिया है। x² गुणांक, x² का गुणांक क्या कहलाएगा जो इसके सामने है। देखो x² के सामने क्या है, ये 2 है, इससे गुणांक क्या होगा 2। ठीक इसी प्रकार से और भी आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो x³ - ½x² + 3, तो x² का गुणांक क्या होगा, हमें ये होगा x² का गुणांक क्या होगा -½ होगा। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। ठीक, अब इसी में से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है x के गुणांक और अचर गुणांक। x के गुणांक क्या हो जाएंगे, x के गुणांक होगा, देखो ये x है, x के सामने क्या लिखा है 3, और अचर गुणांक क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अचर गुणांक क्या हो जाएगा इसमें 2, ये हो जाएगा। देखो ये x के सामने लिखा है 3 आया, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, वो अचर है, वो हो जाएगा 2। ठीक, इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, x² के गुणांक, फिर उसके बाद x का गुणांक और अचर का गुणांक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ठीक, अब फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। पहला दिया है बहुपद का जो घात दिया है 4, 4 घात का द्वि बहुपद, 4 घात का द्वि बहुपद ऐसे, या बहुपदी ऐसे लिखना है, 4 घात होना चाहिए और 2 पद होना चाहिए, जैसे x⁴ + 2 ये भी लिख सकते हैं अपन। ठीक इसी प्रकार से 16y⁴ - 7, पद क्या होना चाहिए 2, और इसमें घात कितना होना चाहिए, इसमें से 4 का घात होना चाहिए ऐसे, तो पद में 2 हो जाएगा और घात में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको बताना है। अब बहुपद के घात बताइए, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बहुपद का घात बताइए, जैसे यहाँ पे दिया है 7x, इस प्रकार से 3x² - 17x + 15 ये दिया हुआ है, इस बहुपद का घात बताइए। तो सबसे बड़ा घात आप देखेंगे क्या होगा, इस बहुपद का घात 7 होगा, मतलब आगे हो या पीछे सबसे बड़ी घात उसकी क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक बहुपद का आपको घात बताना है। अब उसके बाद आता है आपके पास कि चर घात और अचर घात, द्विघाती बहुपद और एक ही बहुपद, इसके बारे में। ठीक है, जिसमें 2 घात है वो क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। ठीक है, 2 घात उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। 3 घात है उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। जिसमें कुछ भी घात नहीं है, जैसे x + 7 तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। और केवल जैसे अंक है वो क्या कहलाएगा, अचर बहुपद। ठीक, इस प्रकार से ये आपका भाग 1 लिखा हूं, लेकिन एक्सरसाइज आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बाकी शेष क्वेश्चन को सभी आप लोग बनाएंगे। थैंक यू।